Good morning, students. Welcome back to your computer class. Today we will start our chapter number 4, Working with Windows. Okay, so open your books at page number 24, chapter number 3, Working with Windows. Let's start the chapter. Hello, Windows. Today we will study about the Windows. Windows कैसे करते हैं? कैसे काम करती है? Window is an operating system. Okay, students, I think you will remember that in grade 3, we already done the chapter Windows. Remember? Yes, Window is an operating system. ये हमने grade 3 में करा था. Let's read. Operating system is the lifeline of the computer. An operating system provides a platform through which a user can interact with the hardware using software. Examples of operating system are Windows, DOS, Linux, etc. अब आप लोगों को याद होगा कि थर्ड ग्रेड में जब हमने ये वाला चैप्टर किया था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर किसी काम का नहीं है. ऑपरेटिंग सिस्टम इज द लाइफ लाइन ऑफ द कंप्यूटर. अगर आपके कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल है तभी वो काम करता है ना. तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है? वो हमें यूजर मीन्स हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं, हमें कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है विद द हार्डवेयर यूजिंग सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर भी हम पहले कर चुके हैं. हार्डवेयर कंप्यूटर के पार्ट्स को कहते हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. एंड सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ कंप्यूटर में चला सकते हैं. विंडो इज एन इज अ सॉफ्टवेयर ना. ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल्स कौन सी हैं? विंडोज, डॉस, लिनक्स, विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए हमें सर्विसेज देता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे जरूरी पार्ट हो गया कंप्यूटर का. अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, GUI एंड CUI. GUI हमने थर्ड में भी किया था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब जहां पिक्चर्स, इमेजेस, सिंबल्स है ना, सब कुछ कंप्यूटर समझ पाता है जब हम उनको ड्रॉ करते हैं. और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI भी कंप्यूटर समझता है. ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हम कैरेक्टर्स टाइप करते हैं और कंप्यूटर उसको समझता है. MS DOS होता था माइक्रोसॉफ्ट का, एक ब्लैक कलर का एक सॉफ्टवेयर होता था जिसमें ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है, उसमें हम कैरेक्टर्स टाइप करते हैं तो वो अच्छे से उसको समझता है. ओके, नेक्स्ट, विंडोज डेस्कटॉप. Now all of you know what is a desktop. Desktop is that screen which comes after we start the computer. The first screen na? When we switch on a computer, the Windows operating system automatically starts. Start ho jata hai window aur jo pehli screen computer pe aati hai usko hum kehte hain desktop. Aur desktop ke parts bhi aapko pata hai, icons, taskbar and start button. Pata hai na taskbar jo sabse niche hoti hai, icons jo ye chote chote se boxes bane hote hain. और स्टार्ट बटन इज ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, फाइल्स एंड फोल्डर्स. फाइल्स एंड फोल्डर्स क्या होते हैं? सबने फाइल भी देखी है, फोल्डर भी देखी है ना. अब कंप्यूटर में फाइल और फोल्डर क्या होता है? पेज नंबर 25 पे देखना है आपको आपकी बुक पे कि डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स. कंप्यूटर में जो डाटा इन्फॉर्मेशन हम लोग स्टोर करते हैं वो फाइल्स और फोल्डर्स के रूप में स्टोर किया जाता है. ईच फाइल, फोल्डर, एप्लीकेशन एंड एनी अदर आइटम इज रिप्रेजेंटेड बाय एन आइकॉन. जो ये फाइल, फोल्डर, एप्लीकेशन या कुछ भी हम कंप्यूटर में बनाते हैं, सेव करते हैं, वो सब एक आइकॉन बन जाता है डेस्कटॉप पे. क्लिकिंग ऑन दीज आइकॉन्स अलाउ अस टू एक्सेस देम. जब हम उन आइकॉन्स पे क्लिक करते हैं तो हम उनको चला सकते हैं. ये देखो, ऐसे ये पॉइंटर बना होता है माउस का और ऐसे हम क्लिक कर सकते हैं ना माउस के लेफ्ट बटन से. तो जब हम उस आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स. अब पहले फाइल क्या होता है, फोल्डर क्या होता है, फिर उनको कैसे बनाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, ये पढ़ते हैं. ओके, फाइल क्या होती है?
फाइल होती है कलेक्शन रिलेटेड डाटा और इन्फॉर्मेशन की, जो कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होता है। आप फाइल अगर रखते हो अपने पास कोई, तो उसमें एक से पेपर्स रखते हो ना, आपका डाटा मतलब इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, उसमें कुछ लिखा होता है वो स्टोर करते हो ना, वैसे ही कंप्यूटर में डाटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए फाइल होती है। और जब बहुत सारी फाइल्स हो जाती हैं, उन फाइल्स को, एक जैसी फाइल्स को इकट्ठा करके हम एक फोल्डर में डाल देते हैं, लाइक कंटेनर, डब्बा। जैसे आप एक बॉक्स में छोटे छोटे बॉक्सेस रख देते हो, है ना, तो जो बड़ा बॉक्स है दैट इज फोल्डर, जो छोटे बॉक्स हैं दे आर फाइल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब इस फाइल को बनाते कैसे हैं, क्रिएट कैसे करते हैं कंप्यूटर में। अ फाइल इज सेव्ड विद अ नेम। जब आप कुछ टाइप करते हो या कुछ पेंट करते हो कंप्यूटर में, तो हम उसको सेव करते हैं ना। मैम ऑलवेज टेल यू कि सेव योर वर्क, व्हाट यू हैव डन सेव योर वर्क। जब आप सेव करते हो, आप उसको एक नेम देते हो, नेम देके उसको सेव कर देते हो, जो सेव हो जाता है वो आइकॉन बन जाता है डेस्कटॉप पे, दैट इज अ फाइल। और जो अगर आप टाइप करते हो वर्ड में, तो वो वर्ड फाइल बन जाती है। अगर आप पेंट करते हो तो वो पेंट फाइल बन जाती है। अगर आप प्रेजेंटेशन में बनाते हो तो वो पीपीटी बन जाती है। ओके फोल्डर, ऐसे ही जब आपकी कितनी सारी फाइल्स बन जाती हैं, तो एक फोल्डर बना दिया जाता है, उस पे आपका नाम लिख देंगे और उसके अंदर आपकी सारी फाइल्स डाल देंगे। ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 20, फाइल एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर, एक्सप्लोर करना, फाइल को उसको खोलना, एक्सप्लोर करना, देखना कि उसमें क्या है। एक येलो कलर का आइकॉन होता है, कंप्यूटर लिखा होता है उस पे, कई बार आपके कंप्यूटर में टास्क बार पे भी पड़ा होता है वो। उसको जब हम खोलते हैं तो लाइब्रेरीज खुलती हैं। फाइल एक्सप्लोरर क्या है? फाइल एक्सप्लोरर इज एन एप्लीकेशन दैट लेट्स यू एक्सेस, जो ये ऐसी एप्लीकेशन है जो हमें फाइल्स और फोल्डर्स को चलाने के लिए बनी है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सर्चिंग, अरेंजिंग, कॉपिंग, मूविंग, डिलीटिंग एंड रीनेमिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, ये सारे काम करने के काम भी आती है ये। हम लोग फाइल एक्सप्लोरर को एक और तरीके से खोल सकते हैं, टास्क बार पे। इसका मैंने बताया ना अभी कि टास्क बार पे इसका फोल्डर का आइकॉन पड़ा होता है, उसको क्लिक किया तो फाइल एक्सप्लोरर खुल जाता है। फाइल एक्सप्लोरर खुलता है तो लाइब्रेरीज फोल्डर सिलेक्ट होती हैं बाय डिफॉल्ट। हर कंप्यूटर में पहले लाइब्रेरीज खुलती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ द फाइल एक्सप्लोरर स्क्रीन। फाइल एक्सप्लोरर स्क्रीन दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक लेफ्ट पेन और एक राइट पेन। जो लेफ्ट पेन होता है उसको हम नेविगेशन पेन भी कहते हैं, मतलब उसमें लेफ्ट पेन में हमें वो सारी ड्राइव्स मिलती हैं। आपने देखा है कभी माई कंप्यूटर खोलते हो तो सी ड्राइव, सी सी डी ई जी, पेन ड्राइव लगाते हैं तो एच आती है, सी डी लगाते हो तो सी डी डीवीडी आता है ना एक तरफ पे, और राइट हैंड साइड पे उसकी डिटेल्स आती हैं, राइट पेन को उसकी डिटेल पेन बोलते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, सो यू विल रीड द पेज नंबर 25 एंड 26 ऑफ योर बुक एंड वॉच दिस वीडियो केयरफुली अगेन एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू, टुमारो वी विल डू द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। बाय स्टूडेंट्स।